जिला ऊना में इस बार हरोली विधानसभा के तहत हरोली जिला परिषद सीट काफी अहम मानी जा रही है। ये सीट ओपन है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल हर हाल में करना चाहती है, इसलिए इस सीट से उन्होंने एक राजपूत महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने इस बार रमा कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। रमा कुमारी हरोली गाँव से है और चुनाव मैदान में उतर आई है। रमा कुमारी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। रमा कुमारी ने घर घर जाकर लोगों को वोट दिए जाने की अपील कर रही हैं। रमा कुमारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह हरोली जिला परिषद सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जिसका उन्होंने आभार भी जताया। रमा की माने तो वह विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा करवाए जा रहे विकास को लेकर वे जीत का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सीट पर कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को रमा कुमारी की नमस्कार। आपकी वोट किसी को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। आपने बहुत से शासक देखे हैं, एक बार इस सेविका को भी मौका देकर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्षेत्र के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। फिर से एक बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।